नमः शिवाय। हमारे शास्त्रों में कुमारी पूजन का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। कहते हैं नवरात्रि के समय पर हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो हमारे बहुत सारे ग्रहों की शांति होती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है, हर तरीके की जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको पूर्ण सम्मान देते हैं, तो हमारा बुध और शुक्र दोनों ही मजबूत होता है। तो जिनकी कुंडली में अगर बुध की राहु के साथ युति है या शुक्र की राहु के साथ युति है, उन्हें कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना, कन्याओं का सम्मान करना उनके लिए विशेष शुभ कार्य होता है। नवरात्रि में विशेष करके जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो वो हमारे लिए सुख संपत्ति सम्मान विजय लेकर के आता है। देवी भागवत पुराण में इसकी स्पष्ट विधि दी हुई है किस तरह की कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कैसी कन्याएं जो हैं पूजन के लिए उपयुक्त होती हैं। मान्यता ये है 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं के पूजन का हमारे शास्त्रों में महत्व कहा गया है। तो जो 2 वर्ष की कन्या होती है उन्हें हम कुमारी कहते हैं। ये इनका पूजन दुख और दरिद्रता का नाश करता है। 3 वर्ष की कन्याएं त्रिमूर्ति कहलाती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा करने वाले को 3 वर्ष की कन्या का त्रिमूर्ति के रूप में पूजन अवश्य करना चाहिए। 4 वर्ष की कन्याएं कल्याणी देवी के नाम से प्रख्यात होती हैं। ऐसी देवी को का पूजन हमें विद्या और विजय और राज्य दिलाता है। 5 वर्ष की कन्याएं रोहिणी कहलाती हैं और 5 वर्ष की कन्याओं का पूजन रोहिणी देवी के रूप में करने से हमारे रोगों का नाश होता है। अगर आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप 6 वर्ष की कन्याओं का पूजन करें। ये कन्याएं कालिका देवी कहलाती हैं और माँ काली के रूप में इनका पूजन आपको शत्रुओं से मुक्त करता है। अगर आप धन ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं तो आप 7 वर्ष की कन्याओं का पूजन करें। 7 वर्ष की कन्याएं चंडिका देवी कहलाती हैं और उनके पूजन से आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याएं शांभवी कहलाती हैं और उनके पूजन आपको दुख और दरिद्रता से मुक्त करता है और आपके अंदर गजब का आकर्षण लेकर के आता है। तो अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, तो आपको 8 वर्षीय कन्याओं का पूजन शांभवी देवी के रूप में अवश्य करना चाहिए। 9 वर्ष की कन्याएं दुर्गा देवी कहलाती हैं और उनका पूजन हमें जो है शत्रुओं से मुक्त करता है और सभी प्रकार की बाधाएँ हमारे जीवन की खत्म होती हैं। 10 वर्ष की कन्याएं सुभद्रा कहलाती हैं और समस्त प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए हम सुभद्रा देवी का पूजन करते हैं। तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं के पूजन का हमारे शास्त्रों में महत्व कहा गया है। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कन्याओं का हम पूजन करें वो रोगी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके से बहुत दुखी अवस्था में नहीं होनी चाहिए, कृश नहीं होनी चाहिए, उनके अंग भंग कोई कटे नहीं होने चाहिए। ऐसी पूर्ण स्वस्थ सुंदर और हसमुख कन्याओं का जब हम पूजन करते हैं पूर्ण श्रद्धा से तो हमें ज़रूर फलित होता है। विधि के लिए कहा गया है कि पहले दिन अगर हम 1 कन्या का पूजन करें, दूसरे दिन 2 कन्याओं का, तीसरे दिन 3 कन्याओं का, चौथे दिन 4, पाँचवें दिन 5, छठे दिन 6, सातवें दिन 7, आठवें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जा सकता है। इसके साथ ये भी कहा गया है अगर आप इस क्रम से नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक ही 1 कन्या का अगर हम पूजन करते हैं तो वो भी बहुत शुभ होता है। अष्टमी के दिन देवी का पूजन करना और कुमारी कन्याओं का पूजन करना भी अत्यंत शुभकारी माना जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्यारे कमेंट ज़रूर दें। नमः शिवाय।